हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग हो चुकी है और मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने अपना मंदिर सजा लिया है। देखिए कैसा लग रहा है मेरा मंदिर। और अब करनी है मेरे को यहाँ पे पूजा। मैंने जोत जला ली है और मंदिर अच्छे से सजा दिया है। ये देखिए मेरी माता जी कितनी सुंदर लग रही है ना। तो मैंने सारे भगवान जी को स्नान करा दिया है और इनके कपड़े भी चेंज कर दिए हैं और मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। पूजा हमारी हो चुकी है और यहाँ पे किचन में बन रहा है ब्रेकफास्ट। ये यहाँ पे चने उबले हुए उबलने के लिए रखे हुए हैं, चने और सोयाबीन। और यहाँ पे साइड में दलिया रखा हुआ है, दलिया बन रहा है गैस पे। तो मैं ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में देखिए क्या कर रही हूँ मैं। ये पानी बॉयल हो रहा है यहाँ और ये इसमें मैं मतलब दलिया बनाऊंगी। ये दूध बॉयल हुआ रखा है। ये देखिए दलिया मैंने बनने के लिए रख दिया है और ये दलिया बन रहा है। इतने मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ और आज मैं बनाऊंगी मलाई कोफ्ता। वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो देखते रहिएगा मेरी वीडियो को। और गाइज ये किचन मेरी नहीं है, ये मेरी भाभी जी की किचन है। तो यहाँ पे मैं थी तो तब मैंने एक क्लिप शूट की थी और मैं इसको इस क्लिप में ऐड कर रही हूँ अपनी वीडियो में। तो ये मेरे फोन में थी तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और मैं भी आज अच्छी हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, मुंह की स्वेलिंग भी उतर गई है। और मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। इसमें है मेरी चाय, कप बड़ा है लेकिन चाय थोड़ी कम है। और ये है मेरा पोहा। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो मॉर्निंग के सारे काम मेरे खत्म हो चुके हैं और इसके बाद में मैं बनाऊंगी अपना लंच का काम करूंगी, लंच बनाऊंगी। ठीक है, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जो भी मैं आज बनाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मेरी तबीयत थोड़ी सी सुधरी है। तबीयत मेरी कई दिन से डाउन चल रही थी, इसीलिए मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। ब्लॉग भी मैंने बनाने बंद कर दिए थे। थोड़ी एक दो क्लिप बनाई थी, वो ऐसी रखी हुई थी, एडिट भी नहीं कर पाई थी मैं, ना अपलोड कर पाई। तो आज से मेरे ब्लॉग मतलब डेली के रहेंगे, कंटिन्यू रखूंगी मैं। ठीक है, जो भी मैं करूंगी, जहां भी जाऊंगी, जो भी कुछ होगा, मैं अम्मी आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूंगी। ठीक है, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। ठीक है, बाद में मिलते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने मलाई कोफ्ता बनाने की तैयारी। तो ये मैंने फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है, इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं घी में और इनको मैं भून रही हूँ। यहाँ मैंने प्याज चॉप करके रखी हुई है, टमाटो चॉप करके रखे हुए हैं यहाँ पे। और इनको मैं ये फ्राइंग पैन में जो मैंने घी डाला हुआ है और ये मसाले मैं मतलब चटका रही हूँ यहाँ पे खड़ा मसाला डाल के, तो इसमें ही मैं ऐड कर दूंगी। और इनको भी मैं हल्का हल्का सा मतलब भून लूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी इनको मैं, थोड़ा सा ही मतलब बस थोड़ा सा गलाऊंगी इसको, टमाटर को और प्याज को। और उसके बाद में मैं मिक्सी के जार में करके इसका पेस्ट बना लूंगी, फाइन पेस्ट। यहाँ पे मेरा पनीर रखा हुआ है, ये मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, हाथ से बारीक कर लिया है ये। और इसमें मैं बाइंडिंग के लिए डालूंगी थोड़ी सी मैदा, 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून। और उसको अच्छे से मैश कर लूंगी बहुत बारीक करके। इसका मतलब एक डो तैयार कर लूंगी मैं, एकदम सॉफ्ट डो। और इसके मुझे मतलब जो है कोफ्ते बनाने हैं, कोफ्ते बना के मैं फ्राई कर लूंगी। ऑयल रखा हुआ है मेरा कढ़ाई में, उसमें मैं इनको डीप फ्राई कर लूंगी। और उसके बाद में मैं ग्रेवी बना रही हूँ यहाँ पे, मेरी साइड में ग्रेवी ये रेडी हो रही है। इसको मैं पेस्ट बना लूंगी मिक्सी के जार में करके ठंडा करने के बाद में। और पेस्ट बना के मैं कढ़ाई में रख दूंगी इसको बॉयल होने के लिए। यहाँ पे मेरे कोफ्ते रेडी हो रहे हैं और कोफ्ते बनाने के बाद में इधर ग्रेवी मेरी बन जाएगी, इधर कोफ्ते मेरे फ्राई होके रखे हुए हैं। ये मेरे जार में रखा हुआ है ग्रेवी का, ये पेस्ट बनाऊंगी मैं। और फिर कढ़ाई में मैं अपनी ग्रेवी डाल के उसको बॉईल करूंगी। और बॉईल होने के बाद में ये जो मेरे कोफ्ते हैं इनको मैं साइड में रखूंगी और ठंडी ग्रेवी होने के बाद में इनके ऊपर डालूंगी, क्योंकि अगर हम गर्म में डाल देंगे तो ये एकदम मतलब फूट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, हलवा सा हो जाएगा इनका। तो
तो इसलिए मैं ठंडे ही कोफ्ते रखूंगी और ठंडी ही ग्रेवी रखूंगी। तो ये मेरे बनकर तैयार हो गए हैं कोफ्ते, और इसके बाद में देखिए मैं आ गई हूँ, बाहर का मौसम दिखाऊंगी मैं आपको। देखिए कितना अच्छा बाहर मौसम हो रहा है, यहाँ मेरी सब्जी बन चुकी है तो मैं बाहर देख रही हूँ। बाहर मेरा मौसम देखिएगा आप मेरे साथ में, कितना अच्छा और कितना सुहाना मौसम हो रहा है, ये देखिए अच्छा हो रहा है ना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली लग रही है, और थोड़ी बारिश भी हो गई थी यहाँ पे, तो मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में आ गई हूँ। उसके बाद हम चलते हैं अंदर और वहाँ पे मैं अपना खाना बनाऊंगी। खाना बनाने की मेरी तैयारी हो रही है, सब्जी मेरी बन चुकी है, बहुत अच्छे से बन गई है और बहुत टेस्टी भी बनी है। और ये देखिए यहाँ पे मौसम कितना, मतलब मौसम अच्छा हो रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ा बारिश का सा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, ये देखिए मेरी रोटियाँ बन रही हैं, गोल गोल फुलके बना के रख रही हूँ मैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए मैं अपनी रोटी बना बना कर अपने कैसरोल में रखती जाऊंगी, चुपड़ के रोटी, जब जिसको खानी होगी खा लेंगे, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा किचन का। तो मैं बना रही हूँ अपनी रोटियाँ, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। What are you doing? Waiting for food. Waiting for food. Come here. Debbie, come here. Waiting for food. गुस्सा हो रखा है, मम्मी जो गुच्छा है, हंस रहा है ये तो, दफी हंस नहीं आ रहा है इसलिए कह रहा हूँ। बस यहाँ पे मैं खाना बना के अपना किचन साफ कर दूंगी, सारा सामान समेट दूंगी यहाँ से, बिल्कुल क्लीन कर दूंगी किचन को, और उसके बाद बाकी के काम करूंगी। ठीक है, देखते रहिए। क्या कर रहा है? ये में लगा रहे कर। डिम्पी नागर व्लॉग्स देखेंगे ना जब बताएंगे सर को। इधर फोन, इधर टीवी, इधर फोन, इधर टीवी, इधर फोन, इधर टीवी। अब देख, अब डिम्पी नागर व्लॉग्स बताएंगे तेरे को। अब तो वो एक्सपोज भी करेगा इसको अच्छे से, है कि नहीं? डफी क्या कर रहा है? डफी क्या कर रहा है मेरा डफी? और ये देखिए यहाँ पर बड़ाना जी लेटे हुए हैं, उनके हाथ में दर्द हो रहा है, पता नहीं कहीं झटका आ गया था। तो यहाँ पे मैं मूंग की मालिश कर रही हूँ, हल्की सी जेंटल मालिश करनी पड़ती है मूंग की, ज़्यादा तो नहीं करते हैं। और ये बोल रहे थे कि मतलब आराम आराम से कर, मुझे दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, तो मैं ये लगा रही हूँ मूंग। बच चुके हैं रात के 9:30 और काम मेरे सारे ख़त्म हो गए। खाना मैंने बना लिया, मलाई कोफ्ता बनाया था आज, और सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। अब सोने की तैयारी चल रही है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो वीडियो का एंड मैंने किया नहीं है, वीडियो का एंड मैं अब कर देती हूँ। सब लोग खाना खा चुके हैं और दूध भी बॉयल हो चुका है, बस दूध पीना है, दूध पीकर सो जाएंगे। और उसके बाद में बस मेरे थोड़ी सी मतलब अपनी वीडियो की एडिटिंग करनी है, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी है। तो मैं कर रही हूँ अब वीडियो का एंड। आप लोग मेरी वीडियो देखिए, और मलाई कोफ्ता की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मैं शेयर कर रही हूँ, ट्राई कीजिएगा, और मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आपने बनाई और कैसी लगी, मेरी रेसिपी से बनाकर देखिएगा एक बार। तो चलिए गाइस, फिर आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, और इन्जॉय करते रहिए, अपने घर में सेफ रहिए। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।